नमस्कार। आज मैं अपनी तोरई से लूफा बनाने जा रही हूँ। उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बीजों के लिए तोरई पकने के लिए अपनी बेल पर छोड़ी हुई थी। जब वो पक गई तो उससे निकाल कर मैंने सूखने के लिए रख दिया। अब इसमें बीज तैयार हो चुके हैं। ये पूरी तरह से सूख चुकी है। इसके बीज निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी साइड से इसको छील कर रखा हुआ है। और ये देखिए, इसका छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस तरह से आप इसको छील लेंगे और फिर इसे पानी में डालकर भिगोने के लिए छोड़ देंगे। और ये बहुत ही नरम लूफा आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये स्क्रबर का काम करेगा और इको फ्रेंडली भी रहेगा। आप ऑनलाइन मंगाते तो बहुत महंगा आता है। आप इस तरह से पानी में डालकर छोड़ दीजिए। अगर आपसे आसानी से नहीं छिल रहा है तो आप गीला करके भी छील सकते हैं। ये देखिए कितने सारे बीज बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप अपने बीज सेव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बीज हो जाए तो आप और लोगों को भी बांट सकते हैं, जिससे कि और भी पौधे बन जाएं, औरों को भी फ़ायदा हो। और ये देखिए, लूफा बनाने के लिए तोरी मैंने पानी में भिगो के रखी थी। पानी में भिगो कर आप छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी से उतर जाता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा छिलका उतर गया। और इसको पानी में भिगो दें। जब ये एक दिन पानी में भीग जाएगा तो बहुत ही मुलायम और सुंदर लूफा बन के तैयार हो जाएगा। ये इको फ्रेंडली लूफा है और आप इसे यूज करें। इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज करेंगे तो आपको बाज़ार से प्लास्टिक का लूफा नहीं लाना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आप इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करें। धन्यवाद।